हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे अप्रैल मंथ के लिए। अक्सर हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये मंथ में हमारा काम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कितने टाइम में होगा, या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। सो इसी तरीके के हम एंजल मैसेजेस निकालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हैं जो आपको चूज करने हैं। उससे पहले आपको अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोच लेना है कि अप्रैल मंथ के लिए आप क्या गाइडेंस चाहते हो, या कौन से क्वेश्चन हैं जिनके सवालों का जवाब आपको चाहिए। आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी आप चाहते हो वो आप एंजल से पूछ सकते हो। एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा आप फाइल चूज कर सकते हो। एक और अनाउंसमेंट, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैं फ्री रीडिंग कैसे प्रोवाइड करती हूँ, मेरे आने वाले कोर्सेस और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे बताती रहूँगी। अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, ये सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं। कोई भी एक स्टोन आपको चूज़ करना है इंट्यूटिवली, और हम आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देखेंगे जिनकी भी राशि मून साइन जिसको बोलते हैं हम तुला है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश में तुला को लिब्रा बोला जाता है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। हम लोग पाइल 1 से हमारी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज की है उनके लिए एंजल मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं क्या है। ट्रस्ट का कार्ड आया है हमारे पास। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लेट। सो आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, जो भी चीज़ें जैसी भी चल रही हैं ट्रस्ट रखना है कि वो आपके हायर गुड के लिए ही है। अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसके बाद भी आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाइए सिचुएशन से, फिर वो चाहे हैप्पी मोमेंट्स हो या सैड मोमेंट्स हो, वो एक दिन बीत के मेमोरीज ही बनने वाले हैं। सो लेट गो करना सीखिए चीज़ों को। ये थे पाइल 1 आप लोगों के लिए मैसेजेस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, हम लोग आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको क्या आंसर्स आ रहे हैं। ओके, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है हमारे पास, पाइल 2। अ ईयर फ्रॉम नाउ पॉजिटिव रहिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी सिचुएशन है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या जिसका आप आंसर चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर तक चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ चेंजेस चाह रहे हो आप अपनी लाइफ पे, प्रमोशन चाहते हो जॉब में या कहीं पे बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ पूरा ईयर लगेगा, या कुछ क्लैरिटी मिलने में भी आपको पूरा 1 ईयर लग सकता है चीज़ों को समझने के लिए। तो आपको अपने आप को टाइम देना है। अगर हो सके कोई आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करें इस सिचुएशन में, तो आपको उनसे हेल्प भी लेनी है। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 2। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, हम लोग आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं क्या है अप्रैल मंथ के लिए। डियर एंजल प्लीज गाइड पाइल 3, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 3 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं, डियर एंजल्स प्लीज गाइड। नौका कार्ड है हमारे पास पाइल 3। जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं पाइल 3, थोड़ा सा सोच समझ कर आपको जाना है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको
किसी भी डिसीजन पे आना है। बहुत ज्यादा आपकी कार्ड्स जो है शफल हो रहे हैं। अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हो जो शायद अभी के लिए आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, कुछ वक्त में चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम एक और कार्ड लेते हैं। फाइल थ्री के लिए एंजल्स प्लीज नो। हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अगर आपकी जो बोलते हैं ना आपका जो डिवाइन टाइमिंग है उस पे चीजें नहीं हो रही और आप जो चाह रहे हो अभी नहीं हो रहा पर फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या उस डायरेक्शन में जा रहे हो अपने इंट्यूशन के अगेंस्ट, या आपको काफ़ी लोग समझा भी रहे हैं कि आपको ये अभी नहीं करना है, तो नॉट राइट टाइम का भी हमारे पास कार्ड आया है। शायद आप इतने मैच्योर नहीं हो कि कुछ डिसीजंस आप खुद से अकेले ले पाओ, तो आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है। आपके जो भी करीबी हों मैच्योर हों, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी एज आपसे बड़ी हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। और ये सही वक्त नहीं है कोई भी बड़े डिसीजन लेने का आपके लिए। कोई भी बोलते हैं ना मेजर डिसीजन की करियर चेंज कर लिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर लिया किसी को बिना बताए, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली किसी को बिना बताए बिना पूछे, कहीं बाहर जाने का सोच लिया किसी को बिना बताए स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए, एटलीस्ट आपको पूरी जांच पड़ताल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल थ्री, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू।